तो फाइनली दोस्तों आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे Redmi K30 और Realme X2 स्मार्टफोन का। दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें Snapdragon 730G का पावरफुल चिपसेट मिलता है, 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। बट दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा, क्या आपको Redmi K30 स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च डेट का वेट करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप सब कुछ जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आइकन को जरूर दबाए। अगर आपके वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। Redmi K30 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, जहां हमें डुअल पंच होल कैमरे मिलते हैं, यानी कि जो फ्रंट कैमरा होगा वो हमें पंच होल डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 120Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों हम Realme X2 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, जहां हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और एक वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिल जाती है। दोस्तों Redmi K30 स्मार्टफोन पर हमें सुपर AMOLED पैनल नहीं मिलता, बट दोस्तों Redmi K30 स्मार्टफोन पर हमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और ना ही दोस्तों हमें Redmi K30 स्मार्टफोन पर एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्योंकि Redmi K30 स्मार्टफोन पर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें Qualcomm Snapdragon 730G का पावरफुल चिपसेट मिलेगा, जहां हमें Adreno 618 का GPU भी देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों दोनों मोबाइल फोन परफॉर्मेंस के मामले में बराबर के स्मार्टफोन है, जिससे हम एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हैं। अगर हम कैमरास की बात करें तो दोस्तों दोनों मोबाइल फोन के रियर साइड पर हमें 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का होगा, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर है, और फोर्थ सेंसर भी 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो सेंसर है। लेकिन दोस्तों Realme X2 स्मार्टफोन पर हमें 64 मेगापिक्सल के सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा, और Redmi K30 स्मार्टफोन पर हमें 64 मेगापिक्सल के कैमरे में सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की बात करें तो Redmi K30 स्मार्टफोन पर हमें 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है। जो सेकेंडरी कैमरा वो एक डेप्थ सेंसर है। और दोस्तों Realme X2 स्मार्टफोन पर हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यानी कि दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें बढ़िया कैमरे देखने को मिल जाते, लेकिन दोस्तों डुअल फ्रंट कैमरा हमें Redmi K30 स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन की बैटरी की। तो ऐसे में Redmi K30 स्मार्टफोन पर हमें 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, जहां 27W फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है। Realme X2 स्मार्टफोन पर भी हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जहां 30W की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट मिलता है। यानी कि दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों Realme X2 स्मार्टफोन पर हमें फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, और Redmi K30 स्मार्टफोन पर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा, क्योंकि दोस्तों Redmi K30 स्मार्टफोन को 2020 के जनवरी या फरवरी मंथ में डेफिनेटली इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, और Realme X2 स्मार्टफोन को 17 दिसंबर को इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाना है। दोनों स्मार्टफोन पर हमें Snapdragon 730G का पावरफुल चिपसेट, 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप मिलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर Realme X2 स्मार्टफोन 17,000 रुपये की प्राइस में इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो Realme X2 स्मार्टफोन भी एक बेहतरीन स्मार्टफोन होगा, क्योंकि इस पर हमें सुपर AMOLED पैनल और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलते हैं। अगर दोस्तों आप Redmi K30 स्मार्टफोन को खरीदने की सोच रहे हो, अगर आप एक या डेढ़ महीने का वेट कर सकते हो, तो आप दोस्तों Redmi K30 के लॉन्च होने का भी वेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों Redmi K30 स्मार्टफोन भी एक बेहतरीन स्मार्टफोन होगा, और यह स्मार्टफोन भी 17,000 रुपये के प्राइस में इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अगर आप दोस्तों वेट कर सकते हो एक या डेढ़ महीने का, तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि यह स्मार्टफोन भी एक बेहतरीन स्मार्टफोन होगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपके वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।